अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल की गहमा गहमी थी हर जगह के जी, शेड्यूल आएगा तो क्या बनेगा और क्या क्या सीन होंगे। सबको यानी कि क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट के ऑफिशियल्स को, सबको जी इंतज़ार था आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का। और मैं आपको इधर बताता चलूँ कि जैसे कि आप भी जानते होंगे अब तक और मैं भी जानता हूँ कि जी वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का प्रॉपर तौर पे, ऑफिशियल तौर पे ऐलान हो चुका है और आईसीसी ने भी अपनी वेबसाइट पर भी ये शेड्यूल जारी कर दिया है और इंडिया ने भी हर जारी कर दिया है। और इंडिया के हर मीडिया में अब ये खबरें गहमा गहमी की, यानी कि गहमा गहमी लगी हुई है इन खबरों की, आईसीसी के जो शेड्यूल जारी हुआ है। तो इधर सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ कि जो तीन वेन्यूज़ थे यानी कि पाकिस्तान की तरफ से, और हैर मुंबई का भी अब मेन्यू सामने आया था कि जी पाकिस्तान मुंबई में भी अब राजी नहीं था क्योंकि उधर भी सिक्योरिटी के इश्यूज थे और सेमीफाइनल को भी लेके कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उधर हैर एक क्या कहते हैं सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुंबई के हवाले से भी हैर बड़ी खबरें सामने आ रही थी। और पाकिस्तान ने जो तीन वेन्यू, जिसमें जो सबसे जो बड़े वेन्यू का मसला था वो था जी अहमदाबाद का वेन्यू, दी मदर, जहाँ जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था और जी मदर दी मदर ऑफ ऑल मैचेस। उसके बाद जी दो जो से वेन्यूज़ थे उनमें से था पहला जी चेन्नई का और दूसरा से बेंगलुरु का। तो इनमें जी एक में जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होना था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, और दूसरा जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। तो आपको पता है बेंगलुरु की जो डिमेंशन हैं बाउंड्री की वो बहुत छोटी हैं। तो पाकिस्तान ने बोला था इसमें कि देखें इसको चेंज करें क्योंकि आपको पता है कि वो जो पिच है वो भी यानी कि बॉलर्स के लिए अच्छी नहीं है। तो माना यह जा रहा था कि इंडिया ने जानबूझ के इस तरह किया। और अफगानिस्तान का जो सा वेन्यू चेन्नई है, यानी कि इंडिया ने यह किया कि जो चेन्नई की जो पिच है वो है जी स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी, तो अफगानिस्तान का मैच उसमें रख दिया गया था। और पाकिस्तान ने इसमें भी बोला था कि इंडिया जानबूझ के पाकिस्तान को हराने के लिए इस तरह के यानी कि चीज़ें कर रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से रद्देअमल ये सामने आया कि जी अगर आपने वेन्यूज़ चेंज नहीं करने तो इसको स्वाइप अप कर दें कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो चेन्नई में करवा दें और जो अफगानिस्तान का वो जी बेंगलुरु में करवा दें। तो इसमें भी है एक कंट्रोवर्सी सामने आने लग गई और बड़ी यानी कि कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया की तरफ से। इंडिया के मीडिया एक दफ़ा भी ये कहता है कि जी पाकिस्तान का मान लिया गया, अहमदाबाद को भी चेंज कर दिया गया। वो बड़ी बड़ी खबरें सामने आई और बड़ा बड़ा कुछ सामने आया। लेकिन अब मैं इधर आपको बताता चलूँ कि वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल शेड्यूल सामने आने के बाद और सब दूध का दूध और सब पानी का पानी हो चुका है। अच्छा जी 5 अक्टूबर से ये मार्की इवेंट स्टार्ट हो रहा है और 5 अक्टूबर का जो पहला मैच है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। और जी अब वेन्यूज़ की मैं बात करता हूँ सारे, अब वेन्यूज़ की है, मैं पाकिस्तान के वेन्यूज़ की बात करूँगा। सबसे पहले जी 6 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच होगा जो क्वालिफायर टीम है उसके साथ, यानी कि क्वालिफायर टीम वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका हो सकती हैं, यानी कि कहा यह जा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें यही हैं। तो क्वालिफाई टीमें ये हो सकती हैं जो उनसे क्वालिफाई करके आएंगी टॉप 10 में। तो कहा यह जा रहा है कि जी जो 6 अक्टूबर को जो मैच होना है वो जी पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो दोनों में से एक टीम के साथ हो सकता है, या तो श्रीलंका के साथ या वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो ये कहा जा रहा है 6 अक्टूबर को जी पाकिस्तान का मैच या क्वालिफाई टीम के साथ। और जी 12 अक्टूबर को भी जी पाकिस्तान का जो मैच है सेकंड क्वालिफाइड टीम के साथ, यानी कि जो पहला जो 6 अक्टूबर को है वो जो फर्स्ट नंबर पे आएगी क्वालिफाइड राउंड में उसके साथ, और फिर जो दूसरी जो सेकंड क्वालिफाइड टीम होगी उसके साथ होगा जी 12 अक्टूबर को। अब इन मैचेस की अगर बात करूँ तो ये मैचेस इतने मुश्किल नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए, उम्मीद है कि पाकिस्तान इन मैचेस को बआसानी जीत जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये दो मैचेस जीत जाता है, अगर जी पाकिस्तान ये दो मैचेस पहले जीत जाता तो पाकिस्तान पे प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान अगर इंडिया से, इंशाल्लाह इंडिया से जीतेगा यार, अगर हार जाता है इंडिया से तो फिर भी कोई इस तरह मसला नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है। और प्रेडिक्शन और जो उनसे जो फेमस जो उनसे हमारे प्रीवियस खिलाड़ी है उनकी भी प्रेडिक्शन यही है कि जी पाकिस्तान इस दफ़ा इंडिया को ज़रूर हराएगा। क्योंकि इंडिया का मैंने अपने, अगर मेरी भी आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने फैक्ट्स पे बात किया कि जी इंडियन टीम ने अगर इन चीज़ों पे कोशिश ना की, फोर्थ नंबर पे भी कोशिश ना की, फिफ्थ नंबर पे कोशिश ना की, तो इंडियन टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इंडिया को सामना करना पड़ सकता है। और बुमराह को भी हैर पता नहीं अब उन्होंने खेलना है कि नहीं, तो इंडिया के जो उनसे अच्छे यानी कि बॉलर हैं। तो जी ये जो दो मैचेस थे, सबसे पहले ये आपके सामने हैं जो शेड्यूल के मुताबिक ये दो मैचेस हैं जी, 6 अक्टूबर को खेला जाएगा और 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। अच्छा जी अब मैं बात करने वाला हूँ जिस मैच का सबको इंतज़ार होगा पूरे वर्ल्ड कप में, सिर्फ यही मैच का सबको इंतज़ार होगा जहाँ तक मुझे लगता है, इंडिया के यानी कि फैंस को भी और पाकिस्तान के फैंस को भी।
वो है जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कह दिया इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जी सबको यानी कि दी मदर ऑफ मैच यही है, तो इसका ही सबको इंतज़ार होगा। वो खेला जा रहा थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद के हवाले से आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने चल रही थी, पाकिस्तान इस पर खेलने से इनकार कर दिया था। और मैं आपको इधर एक और बात बताता चलूँ कि ऑफिशियल शेड्यूल तो आ चुका है, ऑफिशियल मेन्यू तो आ चुका है अहमदाबाद का, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे तो इस पर एतराज़ उठा सकता है कि जी अगर सिक्योरिटी ना ठीक हुई तो पाकिस्तान इस पर एतराज़ उठा सकता है कि हमने अहमदाबाद में नहीं खेलना। तो क्योंकि आपको पता है पहले भी इस तरह यानी कि वर्ल्ड कप्स होते रहे हैं और उसमें वेन्यूज़ चेंज होते रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की दफ़ा अभी, वेस्ट इंडीज़ की दफ़ा, तो वेन्यूज़ चेंज होते रहे हैं। तो अभी भी खैर इस तरह पक्का नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान अहमदाबाद में खेलेगा। तो ये है कि अगर सिक्योरिटी ठीक हुई तो पाकिस्तान खेलेगा, वरना नहीं खेलेगा। और अहमदाबाद के बारे में आपको मैं ये इधर बताता चलूँ जिनको नहीं पता कि अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो दुनिया का बहुत बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और उसमें 1.5 लाख से आई थिंक ऊपर यानी कि कैपेसिटी है। और इंडिया का इधर रखवाने का मकसद भी है था, और संडे के दिन मैच हो रहा है, इधर से आपको पता लग रहा होगा कि जी इंडिया का इधर रखवाने का मैच मकसद ये था कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना। और आपको पता है कि अगर ये, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान, कॉमन सेंस सी बात है, सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच में जो क्राउड होता है ना वो हाउसफुल होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच पूरी दुनिया में कहीं भी करवा लें, पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो क्राउड है वो हमेशा हाउसफुल होता है। और वो जो इनके जो उनसे क्या कहते हैं जो इश्तहारात चल रहे होते हैं ना, जब आप मैच देख रहे होते हैं तो इश्तहारात आपके सामने आ रहे होंगे, तो वो जो इश्तहारात की जो उनसी कॉस्ट है ना वो सबसे ज़्यादा होती है पूरे जितना भी यानी कि वेन्यू होता है वर्ल्ड कप का, सबसे ज़्यादा जो एड्स की जो कॉस्ट है सबसे ज़्यादा होती है। और एक एक एड पता नहीं कितने का बिका होता है, कितने कितने हाई स्पॉन्सर्स होते हैं इस मैच के अंदर, बहुत ही हाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने को हाई, यानी कि इतना कॉस्टली ये मैच होता है कि पूरी दुनिया में चाहे वो यूट्यूबर है चाहे वो वैसे यानी कि कोई एनालिस्ट हैं या चैनल्स हैं, सारे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और जहाँ मैच हो रहा है जैसे इंडिया वेन्यू है यानी कि इंडिया होस्ट है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो इसलिए जो पीछे थ्योरी ये थी इंडिया की जो अहमदाबाद में रखने का मैच का मकसद ही ये था। तो चलें जी लेट्स सी, देखते हैं जी अहमदाबाद में मैच। खैर बाकी जी अगर मैं दूसरे वेन्यूज़ की बात करूँ, और जी 20 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, और इस मैच के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था जो बेंगलुरु में हो रहा है, और जो बेंगलुरु की पिच की जो बाउंड्रीज़ की डिमेंशनज हैं और लेंथ है वो छोटी है, उस पर बड़ी आसानी से बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है वो, यानी कि जो पिच है इंडिया ने यानी कि इस तरह की पिच वो बनाई हुई है तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच भी, और जो बाउंड्री डिमेंशन हैं वो छोटी हैं, तो इसीलिए, और बॉलिंग के लिए ज़ीरो पिच है ज़ीरो। तो पाकिस्तान की आपको पता है कि जी बॉलिंग से साथ ही पाकिस्तान सब कुछ है, और पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी दुनिया में मानी जाती है, और पाकिस्तान के बॉलर सबसे ज़्यादा यानी कि कॉस्टली होते हैं पूरी दुनिया में अगर काउंटीज़ में अगर आप देखें। तो जी इस पर एतराज़ था पाकिस्तान को कि आपने इस तरह क्यों किया कि इसको क्यों बेंगलुरु में रखवा दिया। तो इसके पीछे जी यहाँ तो कहा यही जा रहा था कि यहाँ तो BCCI का कोई यानी कि कोई प्लान है इसके पीछे, या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें हर सामने आई। तो बहरहाल पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ उठाया था, लेकिन आई थिंक अब पाकिस्तान इस पर एतराज़ नहीं उठाएगा, लेकिन अहमदाबाद का मैंने आपको पहले बोला इसमें एतराज़ उठाया जा सकता है। तो जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है इधर, और जी 23 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान का मैच खेला जा रहा है चेन्नई में। और मैंने आपको फिर से भी अगेन बोलूँगा कि इस पर भी पाकिस्तान को एतराज़ था कि पाकिस्तान ने बोला था कि ये जो पिच है ये स्पिनिंग पिच है, और आपको पता है जो राशिद खान है कितने अच्छे स्पिनर्स हैं, वो तो खैर दूसरी जो पिचेज होते हैं जो स्पिनिंग के लिए अच्छी नहीं होती उस पर इतनी अच्छी स्पिन करते हैं और उस पर इतने अच्छे इनके बॉल फेरते हैं, तो और ये तो पिच भी उस तरह की है, तो ये जो पिच है ये उस तरह यानी कि स्पिनिंग पिच है, फास्ट बॉलिंग पिच नहीं है बिल्कुल भी, स्पिनिंग पिच बहुत अच्छी आई है जिस पर पाकिस्तान को घेर सकते हैं जी अफगानिस्तान के प्लेयर्स। तो इस पर पाकिस्तान को त्रास था कि इनको इसने इन्होंने भी इंडिया ने फिर से इस पर यानी कि हमें ये कर दिया, ये जो सी पिच दे दिया हमें चेन्नई की और साथ अफगानिस्तान का मैच करवा दिया है, तो इसको भी या तो स्वाइप अप कर दे दोनों मैचेस या फिर इसको चेंज कर दे वेन्यू। लेकिन ICC का जो ऑफिशियल शेड्यूल आ चुका है इस पर जी यही वेन्यू है, तो शायद पाकिस्तान को इस पर भी अब कोई इतराज़ ना हो। उसके बाद जी 27 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका का मैच खेला जा रहा है चेन्नई में, फिर से यानी कि चेन्नई में खेला जा रहा है पाकिस्तान वर्सेज साउथ अफ्रीका।
और यार साउथ अफ्रीका की टीम भी बहुत अच्छी है और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने भी काफ़ी अब ग्रूम किया थोड़ा सा पहले की नस्बत। आपको पता होगा कि T20 के वर्ल्ड कप में बेचारे आयरलैंड से हार गए थे, जिस वजह से खैर एक लास्ट मैच तो यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो खैर हमने तो बड़ी दुआएं की थी कि साउथ अफ्रीका हार जाए, लेकिन मैं मुझे याद है उस टाइम मैं सुबह उठा था तो मैं बिल्कुल उम्मीद हार चुका था कि पाकिस्तान बाहर हो चुका है। सुबह उठ के मेरे भाई ने मुझे बताया कि यार तुमने स्कोर बोर्ड वो देखा है, यानी कि गूगल चेक किया, और क्या कहते हैं, मैंने कहा यार क्या चेक करना है, तो जब मैंने चेक किया गूगल तो साउथ अफ्रीका हार चुका था आयरलैंड की टीम से, जो खुशी की क्या इंतहा थी तब। तो खैर फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया, और खैर वो फाइनल में भी चला गया, सेमीफाइनल में तो खैर चला गया, फिर फाइनल में भी चला गया खैर पाकिस्तान की बैट लक। तो जी अब जी साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, देखे जी इस मैच में क्या बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा ये भी। बाकी जी 31 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच खेला जा रहा है कोलकाता स्टेडियम में, कोलकाता में। तो बांग्लादेश की टीम ये भी हर अच्छी टीमों में से एक है अब, और बड़ा इन्होंने भी बहुत इम्प्रूव किया अपनी क्रिकेट को। अगर आपने T20 में भी इनके जो T20 वर्ल्ड कप में इनको देखा होगा, इन्होंने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन ये कुछ गलतियाँ कर जाते हैं बांग्लादेश की टीम तो शुरू से ही करती आ रही है, तो उस वजह से भी हैर ये हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया, इनके प्लेयर्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ये भी मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकियों से ये मैच इजी हो सकता है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान की इस मैच की बड़ी कोशिश रहेगी जीतने की। और तकरीबन आई थिंक 9 मैचेज हैं पाकिस्तान के, जिनमें से 7 तक तो जीतना, 7-8 तक तो जीतना ज़रूरी है। तो ये है कि जी ये मैच जी कोलकाता में खेला जा रहा है बांग्लादेश के साथ। बाद जी 4 नवंबर को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जा रहा है मैच, वो जी खेला जा रहा है बेंगलुरु में। और जी न्यूजीलैंड की जो टीम है, वैसे भी न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, खेल खेल के बहुत ज़्यादा सीरीज़ खेली है यार न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान ने, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो या वनडे सीरीज़ हो या T20 सीरीज़ हो, तो बहुत ज़्यादा अपने होम ग्राउंड में हमने खेली हैं, और बड़े पॉजिटिव रिस्पांस आया उस सीरीज़ के बाद। और पाकिस्तान का खैर बड़ी प्रैक्टिस है अब न्यूजीलैंड की टीम के साथ, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ये भी मैच जीतेगा। अच्छा जी पाकिस्तान का जो लास्ट मैच खेला जा रहा है, फाइनल मैच खेला जा रहा है, वो खेला जा रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के लिए उम्मीद है क्वालिफाइड कर जाएगी। और खैर मैं इतनी बड़ी वो नहीं कर रहा जैसे इंडियन फैंस करते हैं या इंडिया के जो उनसे ऑफिशियल्स हैं वो करते हैं, हमारी टीम तो पहले चली गई, मैं ये नहीं कह रहा यार, जाहिर है मैं यानी कि फ़ैन हूँ क्रिकेट का, पाकिस्तान टीम का फ़ैन हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि जी मेरी टीम आगे चली जाएगी, लेकिन मैं उस तरह नहीं बोल रहा कि यार चली ना साड़ी टीम नहीं जाना। तो जी ये लास्ट मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का 12 नवंबर को, और ये खेला जा रहा है जी कोलकाता में, और इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का फाइनल भी हो चुका है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, बहुत अच्छा फाइनल हुआ था, बड़ी एफर्ट्स की थी पाकिस्तान ने फाइनल में, और हर स्कोर कम था, लेकिन जो हमारी बॉलिंग थी वो जी कमाल कर गए थे हमारी बॉलिंग में, नसीम शाह भी, शहीन शाह अफरीदी भी, हरशीन शाह अफरीदी अगर तब इंजर्ड ना होते तो शायद रिजल्ट्स जो थे वो मुख्तलिफ होते, लेकिन हर बैड लक पाकिस्तान की, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान एशिया कप भी जीतेगा और वर्ल्ड कप भी जीतेगा। ये वीडियो कहीं सेव कर लें आप, फिर आपने मुझे नीचे कमेंट्स में आके कहना कि जी आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। तो जी ये है जी पाकिस्तान के सारे वेन्यूज़, और उम्मीद है कि जो उनकी कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह पॉजिटिव यानी कि खेलेगा। देखें जी सारी गेम होती है जो वर्ल्ड कप का जो मैच होता है, सारी गेम होती है जी उसकी क्या कहते हैं प्रेशर की, तो जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया वही टीम आगे, ऑब्वियसली वही टीम यानी कि आगे निकलती है। तो सारी गेम ज़्यादा प्रेशर की, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है वो तो डिपेंड करता है कि जी प्रेशर आपने कितना कम लेना है, क्योंकि इंडिया का आप तो खुद ही सोचे ना कि हमारी टीम इंडिया गई हुई है और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का जो साहब जितना भी यानी कि क्राउड है उनके दरमियान खेल रही है, और अगर पाकिस्तान टीम इतने बड़े क्राउड और इतने बड़े यानी कि क्या कहते हैं एक स्टेडियम में अगर जी वो हमारी टीम जीत जाती है तो फिर इंडियन फैंस पे क्या गुजरेगी, उस दिन का मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि इंडियन फैंस पे फिर क्या गुजरेगी जब हमारी पाकिस्तान टीम इतने बड़े क्राउड और इंडिया में रह के इंडिया को हराएगी ना। तो खैर इंडिया को हराना मकसद नहीं है हमारा इस दफ़ा हमारा जो मकसद है वो जी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी इंडिया से पाकिस्तान लेके आना, ये जी हमारा मकसद है हमारा इसके अलावा इंडिया को हराना हमारा कोई मकसद नहीं है इस दफ़ा कि इंडिया को हरा दिया तो जो बस ठीक है, हमने जी इस दफ़ा वर्ल्ड कप जीतना। तो इंशाल्लाह बाबर आजम भी बड़ी फॉर्म में है इंशाल्लाह ताला,
तो और बाबर आजम के भी हैर पॉजिटिव हैं, जितने भी अगर आप पीछे उनकी कैप्टनसी में बड़ी पॉजिटिव हैर, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, तो पाकिस्तान टीम को बहुत अच्छा चला रहे हैं बाबर आजम। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाबर आजम वर्ल्ड कप 2023 का जो यानी कि 2023 है वो जीत के आएंगे। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कितने यानी कि वो क्या नाम है उसको कहते हैं क्या नाम है जी, आप कितने एक्साइटेड हैं, आपने मुझे जी बताना है नीचे कमेंट्स में कि आप कितने एक्साइटेड हैं वर्ल्ड कप 2023 को लेकर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन आपने मुझे बताना है कि आप कितने एक्साइटेड हैं। अच्छा जी, वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चाहे वो इंडियन फैंस हैं या पाकिस्तानी फैंस हैं। अल्लाह हाफिज़।